भारत ने अपनी अंतरिम तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहला रिजुबल हाइब्रिड रॉकेट रूपी एक लॉन्च कर दिया है। यह रॉकेट चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया गया और इसे तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने विकसित किया है। रूमी एक को एक मोबाइल लॉन्चर की सहायता से प्रक्षिप्त किया गया और यह 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। साथ ही इसमें 3 क्यूब उपग्रह और 50 PICO उपग्रह शामिल है। लॉन्च के बाद हाइब्रिड रॉकेट ने पोलोड को समुद्र में छोड़ दिया, जिसे पुनः नए प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाएगा। रूमी एक के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है, जबकि इसका एयर फ्रेम कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर से निर्मित है। इसमें स्वदेश में विकसित पायरो तकनीक और पैराशूट तैनाती प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। रॉकेट को बनाने वाली कंपनी के CEO आनंद मेगालिंगम ने बताया कि रूमी एक तापमान और कंपन को डेटा को संकलित करेगा। उन्होंने कहा कि रॉकेट में नाइट्रस ऑक्साइड और मोम ईंधन का उपयोग किया गया है, जो इसे कम लागत में विकसित करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का धन्यवाद किया, जिसके समर्थक ने इस परियोजना को सफलता मिली। तमिलनाडु सरकार की TIDCO और IN स्पेस ने एक समझौते के तहत निजी कंपनियों को श्रीहरिकोटा के बजाय कुलशेखर पट्टिनम में निर्माणाधीन लॉन्च पैड का उपयोग करने की अनुमति दी। मार्टिन ग्रुप एंड कंपनीज के डायरेक्टर जोस चार्ल्स मार्टिन ने कहा कि हम पश्चिमी दुनिया की तुलना में कम लागत में उपग्रह प्रक्षिप्त करने में सक्षम है। यह निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं खोलता है और उपग्रहों की मदद से मौसम और आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से अपील की है कि वे उपग्रह लॉन्च के क्षेत्र में योगदान दें।